बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के टॉपिक में से है। और जो हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, x1, x2 और x3 की वैल्यूज गिवन है। फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन लाइन वेयर x1 इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने मल्टीपल रिग्रेशन लाइन जो है वो फाइंड करनी है x1 ऑन x2 एंड x3। बी पार्ट में हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फाइंड करना है, और सी पार्ट में हमने कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो फाइंड करना है, और फिर लास्ट पे हमने कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और कोरिलेशन के आंसर्स को, के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करना है। अब इसमें जो ए पार्ट है, पहले हम इसके फार्मूलाज लिखेंगे। ए पार्ट में हमने जो लाइन एस्टीमेट करनी है, ये लाइन है x1 इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3। इसमें हमने पहले b2 फाइंड करना है। b2 के लिए b2 का ये फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे b2 को एस्टीमेट करने के लिए, b3 के एस्टीमेशन के लिए फार्मूला यूज़ होगा, और b1 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन में x1, x2 और x3 है ये कैपिटल फॉर्म में है, जबकि फार्मूले में जो x1, x2 यूज़ हो रहे हैं वो डेविएशन फॉर्म में है। तो पहले हम एक्चुअल फॉर्म को डेविएशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। इन फार्मूलाज को हम यूज़ करके एक्चुअल फॉर्म को डेविएशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और जो इंटरसेप्ट है उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को हम फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का फार्मूला, ये फार्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का, और ये जो ऊपर वाली टर्म है x-x1 hat, समेशन x1-x1 hat स्केयर, इसको हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेंगे। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन। इसमें हम एक ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के लिए ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही फार्मूला यूज़ करूँगा, आपको जो इजी लगे आप दोनों में से वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का ये फार्मूला, ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फार्मूला लिखा मैंने, और टोटल वेरिएशन का ये फार्मूला, ये टोटल वेरिएशन का फार्मूला, टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो इसमें क्योंकि जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो हमने ये ऊपर स्टैंडर्ड एरर के लिए भी फाइंड की होगी, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके भी, हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं, और इसको भी यूज़ करके हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं। फिर हम कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन में वैल्यूज़, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन फाइंड कर लेंगे। और लास्ट पे जो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन है उसी, उसका जो स्क्वायर रूट है वही कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन के इक्वल होता है। तो लिहाजा जो हम ये आर स्केयर फाइंड करेंगे लास्ट पे, हम उसका स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इस सारी वर्किंग के लिए जो हमें वैल्यूज़ चाहिए, ये टेबल हमने पहले कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन में हमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। तो जो हमने डेविएशन फॉर्म में टोटल फाइंड करने हैं उनके लिए पहले हमें एक्चुअल फॉर्म के टोटल्स के लिए कॉलम्स हमें कंप्लीट करना पड़ेंगे। x1 स्क्वायर का कॉलम पहले फाइंड करेंगे, x1 की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16। इनके टोटल भी साथ साथ ही करते जाते हैं। पहले हम x1 के वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं। x1 की वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा समेशन x1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, ये आ गया 15। x2 का टोटल समेशन x2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10, ये आ गया 33। x3 की वैल्यूज़ का टोटल समेशन x3
टू प्लस एट प्लस वन प्लस सेवन प्लस फोर प्लस सिक्स, तो एक्स थ्री का टोटल आ गया 28। एक्स वन स्केयर का टोटल समेशन एक्स वन स्केयर, वन प्लस सिक्सटीन प्लस वन प्लस नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, ये आ गया 47। अब एक्स टू की वैल्यूज़ का स्केयर लेंगे तो वन का स्केयर आ जाएगा वन, एट का स्केयर 64, थ्री का स्केयर नाइन, फाइव का स्केयर आएगा 25, सिक्स का स्केयर 36 और टेन का स्केयर आ जाएगा 100। अब इनको ऐड कर लेते हैं, वन प्लस 64 प्लस नाइन प्लस 25 प्लस 36 प्लस 100, तो ये आ गया 235। समेशन एक्स टू स्केयर इज इक्वल टू 235। एक्स थ्री की हर वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो टू का स्केयर आ जाएगा 4, एट का स्केयर 64, वन का स्केयर 1, सेवन का स्केयर 49, फोर का स्केयर 16, सिक्स का स्केयर 36। इनको ऐड कर लेते हैं, इनका टोटल समेशन एक्स थ्री स्केयर 4 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 16 प्लस 36, तो ये आ गया 170। अब x1 मल्टीप्लाई बाय x2, तो x1 x2 लिखा हो या x2 x1, ये दोनों इक्वल होते हैं, x1 x2 या x2 x1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें या 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें 32 ये आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। इनको ऐड करते हैं तो x1 x2 का जो टोटल है वो आ जाएगा 1 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 40 103। अब x1 मल्टीप्लाई बाय x3, x1 x3 या x3 x1 ये भी इक्वल होते हैं। अब x1 और x3 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। अब इनका टोटल x1 x3 या x3 x1, तो इसका टोटल आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 1 प्लस 21 प्लस 8 प्लस 24, यह आ गया जी 88। लास्ट में x2 x3 या x3 x2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60। इसका टोटल समेशन x2 x3 2 प्लस 64 प्लस 3 प्लस 35 प्लस 24 प्लस 60, तो ये आ गया 188। अब हमने डेविएशन फॉर्म में टोटल फाइंड करने हैं, समेशन x1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर ओवर n। तो x1 स्क्वायर का टोटल है 47 माइनस x1 का टोटल है 15, 15 का स्क्वायर और n है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 47 माइनस 15 का स्केयर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो ये आ जाएगा 37.5। अब 47 में से माइनस करेंगे 37.5 को, तो ये x1 स्केयर का डेविएशन फॉर्म में टोटल आ गया 9.5। समेशन x2 स्केयर विच इज इक्वल टू समेशन x2 स्केयर माइनस समेशन x2 होल स्केयर ओवर n। तो x2 स्केयर का टोटल है 235 माइनस x2 का टोटल है 33, 33 का स्केयर ओवर 6, 235 माइनस 33 के स्केयर को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो ये आ गया 181.5। 235 में से माइनस करेंगे 181.5 को, तो ये 53.5 आ गया। समेशन x
थ्री स्क्वेयर विच इज इक्वल टू समेशन एक्स थ्री स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स थ्री होल स्क्वेयर ओवर एन। एक्स थ्री स्क्वेयर का टोटल है 170 माइनस एक्स थ्री का टोटल है 28 का स्क्वेयर ओवर 6। 170 माइनस 28 के स्क्वेयर को हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आ गया 130.67। अब 170 में से माइनस करेंगे 130.67 को तो 39.33 आ गया जी। अब एक्स वन एक्स टू या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू एक्स वन, तो इसका फार्मूला है सुमेशन एक्स वन एक्स टू माइनस सुमेशन एक्स वन मल्टीप्लाई बाय सुमेशन एक्स टू डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स वन एक्स टू का टोटल है 103 माइनस एक्स वन का टोटल है 15 और एक्स टू का टोटल है 33 डिवाइडेड बाय 6। 103 माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ तो 495 आ गया और उसको डिवाइड किया 6 पे तो 82.5 आ जाएगा। अब 103 में से 103 माइनस 103 माइनस 82.5 तो जी ये आ गया 20.5। नेक्स्ट सुमेशन एक्स वन एक्स थ्री या आप इसको लिख सकते हैं सुमेशन एक्स थ्री एक्स वन और इसका फार्मूला है सुमेशन एक्स वन एक्स थ्री माइनस सुमेशन एक्स वन मल्टीप्लाई बाय सुमेशन एक्स थ्री डिवाइडेड बाय एन। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एक्स वन एक्स थ्री का टोटल है 88 माइनस एक्स वन का टोटल है 15 और एक्स थ्री का टोटल है 28 डिवाइडेड बाय 6। 88 माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ तो ये आ गया 420 और 420 को डिवाइड किया 6 पे तो 70 आ गया। अब 88 में से माइनस करेंगे 70 को तो ये 18 आ गया जी। सुमेशन एक्स टू एक्स थ्री या सुमेशन एक्स थ्री एक्स टू ये इक्वल है सेम है तो इसका फार्मूला है सुमेशन एक्स टू एक्स थ्री माइनस सुमेशन एक्स टू मल्टीप्लाई बाय सुमेशन एक्स थ्री डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स टू एक्स थ्री का टोटल है 188 माइनस एक्स टू का टोटल है जी 33 मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री का टोटल है 28 डिवाइडेड बाय 6। 188 माइनस पहले 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ तो ये आ गया 924 और उसको डिवाइड किया 6 पे तो 154 आ गया। अब 188 में से माइनस करेंगे 154 को तो 34 आ गया। तो ये जो डेविएशन फॉर्म में टोटल थे वो हमने फाइंड किए। अब इसके बाद हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो है वो फाइंड करते हैं। पहले हम B2 फाइंड करेंगे फिर हम B1 फाइंड करते हैं। ये B2 का फार्मूला B2 और B3 के फार्मूलाज इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। B2 सुमेशन x2 x1 इसका टोटल है 20.5 मल्टीप्लाई बाय x3 स्क्वायर का टोटल है जी 39.33 माइनस x3 x1 का टोटल है 18 ये आ गया जी 18 मल्टीप्लाई बाय x2 x3 का टोटल है 34 ओवर x2 स्क्वायर है 53.5 मल्टीप्लाई बाय x3 स्क्वायर का टोटल है 39.33
थ्री थ्री माइनस एक्स टू एक्स थ्री के टोटल का स्क्वायर, एक्स टू एक्स थ्री का टोटल है 34, 34 का स्क्वायर। 20.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 39.33 के साथ, तो ये आ गया 806.265 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 34, 612 ओवर 53.5 मल्टीप्लाई बाय 39.33, 2104.155 माइनस 34 का स्क्वायर 1156, 806.265 माइनस 612 या अगर जी 194.265 ओवर 2104.155 माइनस 1156, 948.155। अब 194.265 को डिवाइड करेंगे 948.155 के साथ, तो B2 का आंसर आ गया 0.205। ये B2 का आंसर आ गया जी। अब इसी तरह हम B3 फाइंड करेंगे। B3 के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, समेशन X3X1, X3X1 का टोटल है जी 18, 18 मल्टीप्लाई बाय X2 स्क्वायर का टोटल, X2 स्क्वायर का टोटल है 53.5 माइनस X2X1, X2X1 का टोटल है जी 20.5 मल्टीप्लाई बाय X2X3 का टोटल है 34 ओवर, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों फार्मूलाज में सेम है, 53.5 इंटू 39.33 माइनस 34 होल स्क्वायर। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 963 माइनस 20.5 मल्टीप्लाई बाय 34, 697 ओवर, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो डिनोमिनेटर ये जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की है उसी का हम आंसर लिख लेते हैं 948.155। 963 माइनस 697, 266 डिवाइडेड बाय 948.155। B3 का आंसर आ गया 266 डिवाइडेड बाय 948.155, 0.281। ये B3 का आंसर आ गया। B1 का जो फार्मूला है, B1 का फार्मूला है X1 बार माइनस B2, X2 बार माइनस B3, X3 बार। तो X1 बार इज इक्वल टू समेशन X1 ओवर N, और जो समेशन X1 है, समेशन X1 इज 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो X1 बार आ गया 2.5, X2 बार समेशन X2 ओवर N, और X2 का टोटल है 33 डिवाइडेड बाय 6, 33 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ गया 5.5, X3 बार समेशन X3 ओवर N, और X3 का टोटल है 28 डिवाइडेड बाय 6, 28 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ गया 4.67। अब ये वैल्यूज हम B1 के फार्मूला में पुट करते हैं। B1 इज इक्वल टू 2.5 माइनस B2 ये जो हमने ऊपर फाइंड किया 0.205 मल्टीप्लाई बाय X2 बार है 5.5 माइनस
B3 0.281 मल्टीप्लाई बाय 4.67, X3 बार की वैल्यू पुट की, ये 2.5 एज इट इज़ माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.205 मल्टीप्लाई बाय 5.5, 1.1275 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.281 मल्टीप्लाई बाय 4.67, 1.31227, 2.5 माइनस 1.1275 माइनस 1.31227, तो ये आंसर आ गया 0.06, B1 का आंसर आ गया 0.06। तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन जो है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन एस्टीमेट हो गई, X1 हैट इज इक्वल टू B1 B2 प्लस 0.205 X2 B3 प्लस 0.281 X3। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट पहले फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, समेशन x1 माइनस x1 हैट होल स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस 3 एंड होल स्केयर रूट। तो ये जो न्यूमिरेटर है इसको हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, समेशन x1 स्केयर का टोटल है 47 माइनस b1 हमने फाइंड किया 0.06 मल्टीप्लाई बाय समेशन x1 का टोटल है 15 माइनस b2 जो हमने अभी फाइंड किया, b2 है 0.205 मल्टीप्लाई बाय x2 x1 या x2 ये टोटल है 103 माइनस b3 है 0.281 मल्टीप्लाई बाय x1 का टोटल, ये x1 का टोटल है 88, 47 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 15 0.9 आ गया माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.205 मल्टीप्लाई बाय 103 21.115 माइनस 0.281 मल्टीप्लाई बाय 88 24.728, 47 माइनस 0.9 माइनस 21.115 माइनस 24.728, ये आ गया जी 0.257। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ जाएगा 0.257 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 और इसका स्क्वायर रूट 0.257, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। अब 0.257 को डिवाइड करेंगे 3 पे और साथ ही उसका जो आंसर है उसका अंडर रूट ले लिया, तो ये आ गया 0.293। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का आंसर आ गया। ये बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पे हमने कॉफिशेंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और कॉफिशेंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करना है। तो आर स्केयर का फार्मूला है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। तो हम एक तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों ही फार्मूलाज यूज़ करता हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम टोटल वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। टोटल वेरिएशन समेशन x1 माइनस x1 बार होल स्केयर, ये समेशन x1 स्केयर डेविएशन फॉर्म में है तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। समेशन x1 स्केयर, समेशन x1 स्केयर हम फाइंड कर चुके हैं 9.5, तो टोटल वेरिएशन आ गई 9.5। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन
का जो फार्मूला है, हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, और हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्योंकि टोटल वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का सम होता है, लिहाजा हम टोटल वेरिएशन में से माइनस करेंगे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को, तो हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगी। अब ये मैं क्यों फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अनएक्सप्लेन्ड पहले से कैलकुलेटेड है, ये हमने अनएक्सप्लेन्ड ये हमने ऊपर फाइंड किया है अनएक्सप्लेन्ड 0. ये अनएक्सप्लेन्ड 0.257 अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का जो साइन है समेशन x1 माइनस x1 हैट होल स्क्वायर। तो क्योंकि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए हमें दोबारा ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के लिए वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट टोटल वेरिएशन में से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू है 0.257 एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का जो साइन है समेशन एक्स हैट एक्स वन हैट माइनस एक्स वन बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम टोटल वेरिएशन में से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगी, और टोटल वेरिएशन है 9.5 माइनस 0.257 तो ये आ गया 9.243। अब जो कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन है ये उसका फार्मूला एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमारे पास आ गई 9.243 और टोटल वेरिएशन है 9.5, तो 9.243 को डिवाइड करेंगे 9.5 पे तो ये आ गया 0.97। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है 0.97 की इंटरप्रिटेशन है, दिस मीन्स डैट 97% ऑफ द वेरिएबिलिटी यानी जो टोटल वेरिएशन है उसमें से 97% इन एक्स वन इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x2 एंड x3 इट्स लीनियर relationship with x2 and x3। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो x1 में टोटल वेरिएशन है उसका 97% x1 में जो 97% वेरिएशन है वो x2 और x3 की वजह से है, वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, और जो बाकी जो 3% ऑलमोस्ट जो 3% वेरिएशन है वो अनएक्सप्लेन्ड यानी अदर फैक्टर्स की वजह से है। इसके बाद कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, तो उसके लिए जस्ट आपने ये जो कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन आया इसका स्केयर रूट ले लेंगे 0.97, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन आ गया कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, स्केयर रूट लेंगे 0.97 का स्केयर रूट आ गया 0.98 मीन 98% पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 x3 इन तीनों वेरिएबल्स में 98% पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन है इसके लिए हम ये फार्मूला भी आपको यूज़ करना सिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हैं तो हम ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ये फार्मूला भी हम कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बी टू
बी टू का आंसर आया था 0.205 x2 x1 का टोटल है, x2 x1 का टोटल है जी 20.5 प्लस b3 का आंसर आया था 0.281 मल्टीप्लाई बाय x3 x1 का टोटल है 18 ओवर x1 स्क्वायर का टोटल है 9.5 0.205 मल्टीप्लाई बाय 20.5 4.2025 प्लस 0.281 मल्टीप्लाई बाय 18 5.058 ओवर 9.5 4.2025 प्लस 5.058 9.2605 डिवाइडेड बाय 9.5 0.97 अगेन आप देख सकते हैं वही आंसर आया। तो आपको दोनों ही फार्मूलाज वैसे यूज़ करने आने चाहिए, तो जो आपको फार्मूला इजी लगे आप वो वाला फार्मूला, ये ज़रा इसकी कैलकुलेशन ज़रा शॉर्ट है, आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करना है तो कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कोफिशेंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, जिसमें हमने पहले मल्टीपल रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट की, फिर हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड किया, फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड की, और फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन की वैल्यू भी फाइंड की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।